अधिक मास के महीने में जैसे पहले दिन का अधिक मास होता है, ऐसे पांचवा दिन का जो अधिक मास होता है पंचमी तिथि का, पंचमी तिथि का अधिक मास शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, शत्रु उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, तीन साल में एक बार अधिक मास आता है, अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, एक का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर सात बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में तीन साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगला अधिक मास आएगा तो तुम तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर मैं गन्ने का रस डाल, मास में होता है, अधिक मास की सेवा नहीं कर सकती, केवल अधिक मास। पंचमी कौन सी तिथि थी? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की, श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल, कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर दो कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी दो पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में दो लोटे जल के, दो कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है जिसमें जया विषहरा श्यामली बारी दौतली और देव शंकर भगवान की पांच बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं, जब हम जल समर्पित करते हैं हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हो अपनी जगह पर, बेलपत्र चढ़ा रहे हो अपनी जगह, सावन महीने में पानी बाहर गिरता है, लोग मंदिर जाते हैं जगह जगह कीचड़ हो जाता है, अगर आप मंदिर में गए हो तो एक कपड़ा साथ में ले जाओ, उसको पोंछ कर धोकर फिर कहीं लेके चले जाओ, क्या दिक्कत है। शंकर के मंदिर में जल चढ़ाओ वो एक अलग बात है, बेलपत्री चढ़ाओ अलग बात है, दूध चढ़ाओ अलग बात है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी शंकर मंदिर में जाकर अगर पानी से केवल मंदिर को धो दिया, धो भी नहीं सकते तो बुआरी लगा दी, बुआरी नहीं लगाते तो एक कचरे से साफ कर कचरे के ढेर को ले जाकर बाहर पटक दिया, पीछे की ओर डाल दिया, कहीं एक और पटक दिया, मंदिर को स्वच्छ कर दिया। तो याद रख लेना जैसे अशोक सुंदरी ने हुंड राक्षस का संहार करा, आप भी अपनी जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी में दुख तकलीफ कष्ट का संहार कर सकते हो, दुख तकलीफ कष्ट का निवारण कर सकते हो। मंदिर को स्वच्छ रखना, भगवान जहां निवास कर रहे हैं वहां स्वच्छता का भाव। भगवान शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी ने मार दिया हुंड अशोक, बेटी का विवाह हुआ, जब विदा हुई है अशोक सुंदरी, बहुत ध्यान देना, शंकर भगवान ने चोर को कुबेर बना दिया था। श्रावण महीने की दसवीं तिथि को शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो, केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा, शिव का श्रृंगार करो, क्या होगा इससे, तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका, तब कर जी इससे मुक्ति होती। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते, और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की दसवीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है,